जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? तो आज लेके आऊँ एक नई डिश आपके लिए। आप देख सकते हैं, आज हम बनाएंगे करेले। इन थाई सादा और मज़ेदार किस्म के करेले, बिल्कुल आसान और सादा सा तरीका है। इसके लिए मेरे पास हैं आधा किलो करेले लिए मैंने, तीन प्याज हैं बड़े साइज़ के, एक टमाटर है और लहसुन मैं यूज़ करूँगा इसमें से हाफ। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सब कुछ कटिंग होकर रेडी हो चुका है। इसमें स्पेशल डिश है कि जो प्याज है आपने इसको अच्छी तरह काट के अच्छी तरह से वॉश करके इसको सेपरेट कर लेना है, इसके ना सब पीसीस को। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, चलिए तो शुरू करते हैं। अभी इस पैन में, कढ़ाई में मैं डालूंगा ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी इसमें फ्राई करना है। ऑयल कुछ हद तक गर्म हो चुका है, तो अभी इसमें हम ये करेले डालेंगे। अभी इनको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं कुछ हद तक ये ब्राउन हो चुके हैं, इतना ही काफी है। अभी इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अभी इसमें हम ये प्याज शामिल करेंगे। इस प्याज को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। प्याज हमारे आप देख सकते हैं कुछ हद तक नरम हो चुके हैं, इसको मैं मज़ीद फ्राई करूंगा, लेकिन इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे। इसको ब्राउन होने से पहले ही इसको हम रोक लेंगे। अब देख सकते हैं प्याज हमारा कुछ हद तक नरम हो चुका है, बल्कि अब काफ़ी नरम हो चुका है। अब इसमें ये मैं लहसुन शामिल करूँगा, इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अभी इसमें हम अपना टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसमें 1 टीस्पून साल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, फिर 1 टीस्पून लाल मिर्च और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च का पाउडर, इसको हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए और भी फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं टमाटर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। अभी मैं इसमें जो मैंने फ्राई किया था करेलों को, उनको शामिल करता हूँ। इनको मैं 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा, उसके बाद इसको हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए हम छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं अभी मैं तकरीबन 5 मिनट मैंने इनको फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से, और अभी मैं इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देता हूँ। ये आंच इसकी हो गई बिल्कुल लो। उसके बाद इसको हम हल्की आंच इसके ऊपर कवर करके इसको छोड़ देंगे करीब 15 से 20 मिनट। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो जस्ट इसको मैं हल्का सा हिला के थोड़ा मिक्स कर लूँगा एक दफ़ा से। लग तो रहा है तकरीबन रेडी है, लेकिन इसको मज़ीद मैं 5 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ूंगा ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। इसको भी मैं दोबारा से कवर करके इसको छोड़ जी। आप देख सकते हैं ये तकरीबन बेहतरीन किस्म का पक के तैयार हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, बड़ा बेहतरीन टेस्टी होगा ये, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अभी मैं इसको दूसरे बर्तन में निकालता हूँ। आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म का टेस्टी प्याज करेला तैयार है आपके लिए, ज़रूर इसको टेस्ट कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो
तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।